नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं जिले का नंबर वन न्यूज चैनल मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ, उसके बाद में आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। मिर्जापुर के बहरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को किया मुकम्मल, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने मदरसे और मस्जिदों का लिया जायजा, कहा तय स्थलों पर ही दी जाए कुर्बानी। जलालाबाद में नगरपालिका की जमीन से कब्जा हटवाया गया, नगरपालिका की जमीन पर बनाई गई दुकान के सामान को पालिका प्रशासन ने किया जब्त, विरोध करने पर युवक को भी हिरासत में लिया। बंडा पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, ठग पीतल की मूर्ति को अष्ट धातु की मूर्ति बताकर लोगों के साथ करते थे लाखों की ठगी, तीनों साथी ठग पीलीभीत के रहने वाले। और गड़िया रंगीन क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन पर लगा ओवर रेटिंग का आरोप, इलाके के युवक ने कहा ओवर रेटिंग का विरोध करने पर सेल्समैन करता है अभद्रता। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के बहरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी डंडे चल गए, मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है, फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्रों की समीक्षा बैठक कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में लखनऊ में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में सायाहपुर के नियामतपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के केंद्र प्रभारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2017-18 से लेकर वर्ष 2021-22 तक कृषि केंद्र द्वारा किसानों की सहायता से किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड कृषि मंत्री के सामने प्रस्तुत किया। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर आर के मित्तल और सायापुर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एनसी त्रिपाठी ने सायापुर के सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा गौ संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को भी समीक्षा रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। साथ ही सर्वोदय किसान प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा देसी गाय के गोबर से तैयार की गई कृषि मंत्री की नेम प्लेट भी उन्हें भेंट की। बंडा पुलिस ने ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 साथी ठगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से पीतल की मूर्ति और नकदी मिली है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह लोगों को पीतल की मूर्ति को अष्ट धातु की मूर्ति बताकर लाखों रुपए की ठगी कर लेते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साथी ठग राजन, सुरेंद्र कुमार और बबलू पड़ोसी जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता के निधन पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दुख व्यक्त किया है। कैबिनेट मंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि साधना गुप्ता के निधन की सूचना अत्यंत दुखद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें सदगति दे और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जलालाबाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने नगरपालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान का ताला तोड़कर दुकान को कब्जे में लिया है। दरअसल प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नगरपालिका की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की और आज दुकान का ताला तोड़कर सामान को जब्त कर दुकान को भी कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही कार्रवाई का विरोध करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने आज थाना सेरमऊ दक्षिणी में समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गड़िया रंगीन क्षेत्र की अंग्रेजी शराब की दुकान के सेल्समैन पर ओवर रेटिंग करने का आरोप लगा है। इलाके के ही युवक ने सेल्समैन पर निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया है। उसका यह भी आरोप है कि ज्यादा पैसे देने से इनकार करने पर सेल्समैन अभद्रता करने पर उतर आता है। आज विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की एक बैठक सांसद अरुण कुमार सागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और कई विधायक उपस्थित रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कथित वसूली का मुद्दा उठाया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की गई। वित्त मंत्री ने विद्युत सब स्टेशनों के निर्माण को तय समय सीमा के अंदर कराए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री सीटर बदमाश का नाम नीरज कुमार शुक्ला बताया जा रहा है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करते हुए कई घटनाओं का खुलासा भी किया है। पुलिस को अभियुक्त नीरज के पास से अवैध असलाह, चोरी की मोटरसाइकिल, ई रिक्शा और नकदी बरामद हुई है। गिरफ्तार किया गया हिस्ट्री सीटर बदमाश पुआया थाना क्षेत्र के नाहिल गाँव का रहने वाला है। बकरीद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने आज नगर क्षेत्र में बनी मस्जिदों, मदरसों और कुर्बानी स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने कहा कि कुर्बानी स्थलों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती करा दी गई है। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार इस बार कुर्बानी का कार्यक्रम तय स्थल पर ही किया जाना है। निगोही पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए गैंगस्टर राम सेवक को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से बने और अधबने शस्त्र बरामद हुए हैं, साथ ही शस्त्र बनाने के उपकरण भी पुलिस को मौके से मिले हैं। पुलिस ने पिपरिया खुशहाली में छापेमारी करते हुए राम सेवक को गिरफ्तार किया, जिसे अब जेल भेजा जा रहा है। 11वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन शाहजहांपुर में हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन परमवीर चक्र विजेता नायक यदुनाथ सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में कराया गया। प्रतियोगिता एथलेटिक्स संघ द्वारा कराई गई थी, जिसमें मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी। सीनियर बालक वर्ग में 100 मीटर में अथर वंसल, अबुबकर देवाशीष और 200 मीटर में अक्षत मिश्रा, रुद्रांश मिश्रा ने बाजी मार ली। तो वहीं बालिका वर्ग में 100 मीटर में आयुषी पांडे और 200 मीटर में अंशिका वर्मा ने बाजी अपने नाम की। शाहजहांपुर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 43 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसपी एस आनंद के निर्देशों पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ कार्रवाई की गई और अवैध शस्त्र, कच्ची शराब और जुआ सट्टा खेलने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लंबे समय से न्यायालय में हाजिर न होने वाले 22 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है।